मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक नवीन कन्या हर सेकंडरी स्कूल में जारी है। दैनिक भास्कर .com ने यहाँ के प्रांतीय उपाध्यक्ष आभा पांडे से बात की। मैडम, ये जो बैठक रखी गई, इसका क्या उद्देश्य है और कितने लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से? हम लोग करीब 75-80 लोग हो रहे हैं और अभी कुछ लोग रास्ते में हैं जो बाहर से आ रहे हैं, मुरैना और सागर जिले से आ रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम चाह रहे थे शिक्षकों से संबंधित सारे संघ हम एक होकर शिक्षक संबंधित मांगे रखें, क्योंकि क्या होता है, संयुक्त मोर्चे की मांगे रखी जाती हैं, उसमें शिक्षकों की मांगों को उतना महत्व नहीं दिया जाता। तो हम चाह रहे हैं कि सारे संघ मिलकर, शिक्षक से संबंधित सारे संघ मिलकर। मैडम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम निकार अख्तर है सर, मैं बैरसिया से हूँ। अच्छा, तो कार्य आपकी भी कोई समस्या है या आप शिक्षकों सर? हम लोग सहायक अध्यापक, अध्यापक और वरिष्ठ अध्यापकों की मांगों को लेकर यहाँ आए हैं। हमारी मांग ये है कि समान काम, समान वेतन दिया जाए और शिक्षा विभाग में हमारा संविलियन किया जाए। जो लाभ इन लोग को मिल रहे हैं, सहायक शिक्षकों को, वो हमें दिए जाए। आपका क्या नाम है? हेमलता सिंह। हेमलता जी, आप क्या सहायक अध्यापक जी, आप लोगों की क्या मांग है? मांगे समान वेतन, समान अधिकार, जो कार्य। कहाँ से आई हैं? बैरसिया। ठीक, धन्यवाद।